स्टार्ट करते हैं दैनिक पवनों को। ओके, दैनिक पवन। अगर हम दैनिक पवनों की बात करें तो यानी कि जो आपको देखने को मिलेगा दिन में दूसरी पवन चलेगी, रात में दूसरी पवन चलेगी, उनको क्या बोलते हैं? दैनिक पवनों के नाम से जानते हैं। अगर हम दैनिक पवनों की बात करें, ये आपको दो तरह की देखने को मिलेंगी। एक आपको देखने को मिलेगी जिसमें स्थल समीर आता है, स्थल समीर आता है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसमें समुद्री समीर, समुद्री समीर। ओके, तो ये जो चलती हैं ये तट के पास में चलती हैं, जहां पर तटवर्ती क्षेत्र होता है। ओके, तो तटीय क्षेत्र के समीप, तटीय क्षेत्र के समीप आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो दूसरी देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी घाटी समीर, और घाटी समीर, घाटी समीर, और आपको देखने को मिलेगा दूसरा पर्वतीय समीर। ओके, पर्वतीय समीर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आपको देखने को मिलेगा जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा घाटी समीर और जो पर्वतीय समीर है वो उत्पन्न होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो स्थल समीर है और समुद्री समीर है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे घाटी समीर और पर्वतीय समीर। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम नॉलेज दिए थे इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाए थे। तो चलिए एक बार हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, मानते हैं दिन का समय है और जहां पर स्थल पाया जाता है और जहां पर जल पाया जाता है, दोनों चीजें एक साथ में आपको देखने को मिलेगी, और मानते हैं दिन का समय है। ओके, दिन में यानी कि भाई अभी क्या है, डे है। ओके, तो देखिए इस तरह से यहां पर कुछ आपको देखने को मिलेगा। मानते हैं ये क्या है, इस तरह से जलीय सतह है, और इस तरह से ये क्या है, स्थलीय सतह है। ओके, तो इस तरह हम इस तरह से बना देते हैं, और इधर क्या बना देते हैं, इस तरह से जल बना देते हैं। ओके, अब देखिए दिन का समय है। अब दिन का समय है तो आपको पता है कि सूरज देवता तो लिख लेंगे। ओके, क्या लिख लेंगे, सूरज देवता तो लिख लेंगे। अब जब सूरज देवता लिख लेंगे तो ये जो अपनी एनर्जी है इस तरह से भेजेंगे, तो एनर्जी तो दोनों जगह भेजेंगे, इस तरह से यहाँ पर भी भेजेंगे और इधर भी भेजेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो दिन में अगर हम बात करें तो जल की सतह का तापमान कम रहता है अपेक्षाकृत स्थल की, क्योंकि हम बहुत सारे कारण आपको यहाँ पर बताए थे जल के तापमान। तो जिन लोगों ने ऊष्मा बजट वाला जो टॉपिक जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर ही हम समझाए थे आप लोगों के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के साथ में आप लोगों को समझाए थे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि जो पानी पानी होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा, और साथ में जो आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, तापीय चालकता देखने को मिलेगी। ओके, ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जिस कारण जल की सतह का तापमान कम रहता है दिन के समय आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम दिन की बात करें तो दिन में जलीय सतह का तापमान कम रहेगा और स्थलीय सतह का तापमान अधिक हो जाएगा। जब स्थलीय सतह का तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जाहिर सी बात है, जहां पर तापमान कम होगा तो जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायु भारी होगी, भारी होगी तो भाई नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत हाई प्रेशर का निर्माण होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर का निर्माण होगा। तो यहाँ से क्या चलेगी, इस तरह से पवन चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, सभी लोग जानते हैं। तो देखिए हमको मिल गया हाई प्रेशर एक जगह, मिल गया लो प्रेशर, लेकिन ये सीमित क्षेत्र में होता है, ज्यादा लंबे क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तटीय क्षेत्र के समीप आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरह से ये पवनें चलेंगी। क्या चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरह से पवनें चलेंगी, और इसी पवन को क्या नाम दिया जाएगा, इसी पवन को नाम दिया जाएगा समुद्री पवन। क्यों, क्योंकि कहां से चल रही है, इस समुद्र से चल रही है। कहां से चल रही है, इस समुद्र से चल रही है पवन, इसीलिए इसको बोल दिया जाएगा समुद्री पवन या फिर समुद्री समीर बोल दिया जाएगा। क्या है, समुद्री समीर। तो आपसे पूछा जाएगा समुद्री समीर कब चलती है, तो समुद्री समीर दिन के समय चलती है, रात के समय नहीं चलेगी, दिन के समय क्या चलेगी, समुद्री समीर चलती है। ओके, क्या चलती है, समुद्री समीर चलती है। और आपको देखने को मिलेगा इस कारण ही
जो तटीय क्षेत्र होता है। अब देखिए ये क्या है, तटवर्ती क्षेत्र है, दूसरे कलर से दिखाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये तटीय क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, तटीय क्षेत्र, जैसे गोवा का बीच, जिसको आप लोग इंग्लिश में बीच के नाम से जानते होंगे। अब गोवा का बीच है, अब गोवा का बीच है, दिन में क्या लिख लिए हैं, सूर्य देवता लिख लिए हैं, धूप तो काफी तेज है, लेकिन धूप तो काफी तेज है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वहां पर छाता लगा करके समुद्र किनारे मतलब तट पर बैठे रहते हैं लोग, क्योंकि ये समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, क्योंकि समुद्र का तापमान कम है, तापमान कम होने के कारण ये स्थल का भी तापमान थोड़ा सा कम कर देती है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो जितना तट के समीप आप रहेंगे तो आपको दिन के समय गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप छाता हटा देंगे तो आपको बहुत ज्यादा तीव्र गति से जो गर्मी होगी वो तो महसूस होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी छाया कर लेंगे मतलब थोड़ा सा छाता लगा लेंगे तो ठंडी ठंडी हवा का आपको एहसास होगा, बड़ा मजा आएगा। इसलिए लोग गोवा मुंबई तटों पर बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ही लोग पड़े रहते हैं नंगे पुंगे वहां पर रेत के ऊपर, वो क्यों पड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह की दशाएं उत्पन्न होती है। तो इस कारण समुद्री समीर का जो प्रभाव होता है इसी कारण आपको देखने को मिलेगा, दिन के समय जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र होता है, तो तटीय क्षेत्र का तापमान होता है उसमें कमी आती है, जिस कारण यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है और यहाँ पर हमको ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे इस तट से दूर जाएंगे, क्या जाएंगे, इस तट से दूर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस समुद्री समीर का जो प्रभाव होगा वो कम होने लगेगा, और तट से दूर जाने पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो फिर से वैसी समान स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है ना वो सीमित क्षेत्र में होता है, मतलब आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोटे एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो कुछ सीमित क्षेत्र में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए और देखिए जहां पर लो प्रेशर बनता है, तो आप लोगों को पता है लो प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से पवन गर्म होगी, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है, स्थल का ज्यादा है, स्थल का तापमान ज्यादा होने के कारण आपको देखने को मिलेगा इस तरह से लो प्रेशर के केंद्र से इस तरह से पवने ऊपर उठेंगी, जब ऊपर उठेंगी तो हल्के हल्के क्या होगा, वायु, जैसे जैसे वायु है वो ऊपर जाएगी तो आपको पता है वायु में प्रसार होगा, क्योंकि वो सघन वायुमंडल से विरल वायुमंडल में जा रही है, तो विरल वायुमंडल में जाने के कारण एडियाबेटिक कूलिंग होगा, एडियाबेटिक कूलिंग होगा तो वायु हल्के हल्के संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी तब उसमें संघनन की प्रक्रिया होगी, तो बादलों का निर्माण होगा, तो आपको देखने को मिलेगा हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है तटों के किनारे, तटों के किनारे हल्की हल्की बारिश होने का कारण क्या है, यही कारण है दिन के समय आपको देखने को मिलेगा। तो ये समुद्री समीर का तो हमने सिस्टम समझ लिया, लेकिन ये सोचिए अगर बड़ा सा महाद्वीप है तब तो ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये सोचो ये स्थल खंड ही अगर छोटा हो, ये स्थल खंड है यही छोटा हो तब क्या होगा। तो चलिए दिन के समय ही एक और हम आपको इसी प्रकार की घटना बताते हैं, तो देखिए इसी प्रकार की घटना बताते हैं तो किस प्रकार से मानते हैं। अब क्या है, बहुत बड़ा महाद्वीप नहीं है, अब भारत हमने नहीं लिया बल्कि मान लेते हैं जैसे अंडमान निकोबार है, यानी कि छोटा सा द्वीप कोई ले लेते हैं, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार कोई भी ले लीजिए। तो द्वीप कैसा होता है, जैसे मानते हैं ये क्या है, इस तरह से ये सतह है, क्या है, इस तरह से सतह है। ओके, और मानते हैं ये क्या है, इस तरह से द्वीप है, द्वीप भी बना देते हैं। ओके, इस तरह से ये क्या है, द्वीप है कोई, ओके इस तरह से ये द्वीप है। आप लोग कहेंगे सर आपने तो एकदम कैप बना दी है माइकल जैक्सन की, तो समझ लीजिए कैप ही है। ओके, तो देखिए इधर क्या है, जल है ये भरा हुआ, एकदम जल भर देते हैं। इधर क्या है, इस तरह से जल भरा हुआ है। इधर भी क्या है, इस तरह से जल भरा हुआ है। बीच में क्या है, ये द्वीप है मतलब आइलैंड है। ये क्या है भाई, इस तरह से द्वीप है मतलब आइलैंड है। ये क्या है, द्वीप है मतलब आपको देखने को मिलेगा आइलैंड देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, दिन का ही समय है भाई। किसका समय है, दिन का समय। दिन के समय क्या लिख लेंगे, सूर्य देवता लिख लेंगे। सूर्य देवता लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान कम रहता है जलीय सतह का, स्थलीय सतह का अपेक्षाकृत थोड़ा सा तापमान ज्यादा हो जाता है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। इधर भी तो आपको देखने को मिलेगा इसी तरह की घटना होगी भाई, इधर भी हाई प्रेशर देखने को मिलेगा।
यानी कि द्वीप के चारों ओर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और इस द्वीप में क्या बनेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से लो प्रेशर बनेगा। ओके, यानी कि द्वीप के चारों ओर पानी पाया जाता है ना, ऐसे थोड़ी ना क्योंकि द्वीप के दो तरफ पानी होगा, दो तरफ पानी नहीं होगा, पानी क्या नहीं, हम दो तरफ नहीं आएंगे, पानी तो चारों तरफ द्वीप के रहता है ना, द्वीप के बीच में होता है, तो चारों तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, बीच में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो चारों तरफ से पवने आएंगी, इस तरह से आएंगी भाई, पवन चलेगी इस तरह से, क्या चलेंगी, ये पवने चल रही है। ओके, इस तरह से पवने चल रही है। अब द्वीप तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह से बादलों से ये द्वीप क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, ये बादलों से क्या हो जाएगा, इस तरह से द्वीप घिर जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर के केंद्र से क्या होगी, ये आर्द्र वायु होगी, ये आर्द्र वायु ऊपर भी तो उठेगी भाई, अब आर्द्र वायु जब ऊपर उठेगी तो हल्के हल्के संघनन की प्रक्रिया होगी, बादलों का निर्माण होगा, इन्हीं बादलों को अडल भारत बादल के नाम से जानते हैं, अडल मेघ के नाम से जानते हैं। ओके, अटल बादल के नाम से जानते हैं। ओके, अटल क्लाउड के नाम से जानते हैं। ओके, कि कहां पर बनता है, ये आपको देखने को मिलेगा द्वीप के ऊपर, यानी कि दिन के समय जो समुद्री समीर के कारण, समुद्री समीर के प्रभाव के कारण द्वीपों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि बादलों का निर्माण हो जाता है, यानी कि बादल होते हैं वो पूरे द्वीप को दिन में घेर लेते हैं, इसी को बोलते हैं अटल मेघ बोलते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। तो देखिए अब हम लोग आते हैं रात के वक्त, आ जाते हैं, अभी तो दिन का मौसम देख लिया, रात के मौसम तटों के किनारे क्या होगा, तटों के किनारे रात के समय क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब क्या समय है, रात का समय है भाई। ओके, अब रात क्या है, रात सुहानी है। चलिए देखते हैं, इस तरह से फिर से हम बनाते हैं एक मैप। ओके, देखिए इस तरह से मैप बनाते हैं, ये क्या है, स्थलखंड है, और इधर क्या है, जल भरा हुआ है, ये क्या है, समुद्री क्षेत्र है या फिर जलीय सतह है। ओके, ये क्या है, समुद्र है, और ये क्या है, स्थल है। अब आप लोग जानते हैं कि स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जल है जल्दी ठंडा नहीं होता है, यहाँ पर पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा यानी कि रात के समय स्थल का तापमान कम हो जाता है। अब रात के समय स्थल का तापमान कम हो जाएगा तो स्थल के ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा। तो अपेक्षाकृत आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अपेक्षाकृत यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर अपेक्षाकृत हाई प्रेशर है। तो अब देखिए रात के समय क्या होगा, यहाँ से हाई प्रेशर से इस तरह से पवने चलेंगी, क्या चलेंगी, समुद्र की ओर इस तरह से पवने चलेंगी। ओके, तो इनके लिए क्या बोलेंगे, इन पवनों के लिए हम क्या बोलेंगे, हम इन पवनों के लिए बोलेंगे स्थल समीर, क्योंकि ये कहाँ से चल रही है, स्थल से चल रही है, तो स्थल से चलने के कारण हम इनको नाम दे देंगे स्थल समीर का नाम दे देंगे, और स्थल समीर का नाम दे देंगे। तो आपको देखने को मिलेगा रात के समय ये अपेक्षाकृत क्या होंगी, इस सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम कर देंगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये क्या है, मतलब अत्यधिक ठंडी नहीं, अपेक्षाकृत क्या है, ठंडी है, तो इस क्षेत्र का क्या होगा, थोड़ा सा तापमान क्या कर देंगी, कम कर देंगी, थोड़ा सा तापमान क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो आपको देखने को मिलेगा जो ये तटवर्ती क्षेत्र होता है ये ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, आपको देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर अगर हाई प्रेशर का निर्माण हुआ है तो पवने क्या है, ऊपर से नीचे के लिए आएंगी, यानी कि पवनों का क्या होगा, अवरोहण होगा, और पवनों के अवरोहण के कारण यहाँ पर वर्षा अब नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको रात के समय वर्षा समानता नहीं देखने को मिलेगी, अगर शांत वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए स्थल समीर है और जल समीर है, यानी कि समुद्री समीर है, वो आप लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा घाटियों के ऊपर, आ जाते हैं थोड़ा सा घाटियों के बारे में भी देख लेते हैं कि पर्वतीय समीर कैसे उत्पन्न होती है, और आपको देखने को मिलेगा घाटी समीर कैसे उत्पन्न होती है। ये आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके, और देखिए अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो देखिए यहाँ पर पवने क्या होंगी, हल्के हल्के ऊपर उठेंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होंगी, स्थल के ऊपर नीचे आएंगी रात के समय। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थलीय समीर कब चलती है, तो ये रात के समय चलती है, ये दिन के समय नहीं चलती है, तो यही पूछा जाता है, जो आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं जो घाटी समीर है
और पर्वतीय समीर है, दोनों के बारे में हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लेते हैं दिन के समय क्या होता है। ओके, दिन का समय हम पहले लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे रात के समय क्या होगा। तो देखिए, हम एक घाटी बनाते हैं और दो पर्वत के बीच में एक घाटी बना देते हैं। इस तरह से एक पर्वत है और ये दूसरा पर्वत है, इसके बीच में क्या हो गया, घाटी हो गई। ओके, अब देखिए दिन के समय आखिर क्या चलेगा। तो देखिए, ये क्या है, जो नीचे वाला भाग है आप लोग जानते हैं ना, ये तो क्या है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, घाटी वाला भाग है, इसे बोलते हैं घाटी, और ये क्या है, पर्वत है भाई। ओके, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है। ओके, अब दिन के समय क्या होगा, दिन के समय आपको देखने को मिलेगा एक विशेष प्रक्रिया। दिन के समय यहाँ पर सूर्य देवता लिख लेंगे भाई सूर्य देवता। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा सूर्य देवता लिख लेंगे, तो ये जो चोटी के ऊपर है ना, यहाँ पर तापमान ज्यादा बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, तापमान, क्योंकि ऊपर की सतह है, ये जल्दी गर्म हो जाएगी। तो दिन के समय आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर, तापमान दिन के समय तापमान ज्यादा होने के कारण जो ऊपर की सतह होगी यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा। तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से लो प्रेशर का निर्माण होगा। ओके, और अपेक्षाकृत जब यहाँ पर लो प्रेशर है तो घाटियों में अपेक्षाकृत आपको देखने को मिलेगा कि हाई प्रेशर होगा। घाटियों में क्या होगा, इस तरह से हाई प्रेशर अपेक्षाकृत आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, हमको हाई प्रेशर लो प्रेशर मिल गया तो इसका मतलब अब पवने भी हमको मिल जाएंगी। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलेंगे भी तो ना, क्या चलेंगी, पवने चलेंगी भी तो। अब देखिए, यहां से इस ढाल के सारे हल्के हल्के ऊपर की ओर पवने जाना प्रारंभ करेंगे। देखिए, दोनों तरफ इस तरह से पवने जाना प्रारंभ करेंगे ढाल के सहारे, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने जाएंगे। जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हल्के हल्के इनमें आइडियाबेटिक कूलिंग का प्रोसेस होगा, आइडियाबेटिक कूलिंग का हल्के हल्के प्रोसेस होगा, तो आपको देखने को मिलेगा एक स्टेप के बाद जो वायु है वो संतृप्त हो जाएगी। तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह से बादलों का निर्माण हुआ, किसका निर्माण होगा, इस तरह से बादलों का निर्माण होगा, और इन्हीं बादलों को जो नाम दिया गया है वो पताका क्लाउड का नाम दिया गया है। ओके, किसका नाम, पताका बादल का नाम दिया गया है। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैनर क्लाउड। ओके, क्या नाम दिया गया है, बैनर क्लाउड का नाम दिया गया है। ओके, बैनर क्लाउड कहां पर बनते हैं, तो आपको दिन के समय बनते हैं, लेकिन ये कौन सी आखिर समीर है, तो आप भी बता सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कहां से चल रही है, घाटी से चल रही है, घाटी से चलने के कारण इसको बोल देंगे घाटी समीर। कहां से चल रही है ये पवन, देखिए कहां से चल रही है, घाटी से चल रही है ना, तो इसीलिए दिन के समय घाटी समीर चलती है, घाटी समीर चलती है। तो पवन की दिशा जहां से पवन चलेगी हम उसी का नाम बोल देते हैं, जैसे घाटी से चलिए तो उसको घाटी समीर बोल देंगे, पर्वतों की चोटी से चलेगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, पर्वतीय समीर बोल देंगे। कोई आपको बड़ी चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो दिन के समय क्या चलती है, घाटी समीर चलती है, यही ध्यान रखना है, दिन और रात में क्या चलती है, और इन्हीं के कारण पताका बादल यानी कि बैनर क्लाउड का निर्माण होता है, और इनसे क्या होती है, बारिश भी भाई होती है, दिन के समय आपको देखने को मिलेगा, क्या करेंगे, बारिश भी तो करेंगे ना, इस तरह से बारिश भी होगी। तो देखिए, इसी को बोलते हैं एनाबेटिक पवन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनाबेटिक पवन। तो आपसे पूछा जा सकता है दिन के समय केटाबेटिक पवन चलती है या फिर एनाबेटिक चलती है, तो आपको ध्यान रखना है एनाबेटिक। एनाबेटिक का संबंध किससे है, घाटी समीर से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो एनाबेटिक प्रोसेस होने के कारण ही इसको एनाबेटिक पवन का नाम भी दे दिया गया है। तो कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। तो चलिए देखते हैं रात के समय क्या होगा। ओके, रात के समय केटाबेटिक चलेगा, जैसे एनाबेटिक पवन चल रही है तो ऐसी रात में क्या चलेगी, केटाबेटिक पवन चलेगी, मतलब उल्टा इसका चलेगा। चलिए, अब क्या हो गई, रात का समय हो गया भाई, क्या हो गया, रात का समय आ गया भाई। अब रात के समय क्या होगा, तो देखिए रात के समय देखते हैं, तो रात के समय फिर से हम क्या बनाते हैं, दो इस तरह से पर्वत बनाते हैं सबसे पहले तो। ओके, बचपन याद आ गया, बचपन में क्या बनाते थे, ऐसे दो तीन पहाड़ बनाते थे, पीछे एक सूरज लगा देते थे, सामने एक झोपड़ी बना देते थे, और एक रास्ता, और वो ऐसी वाली दो तीन घास के टुकड़े बना देते थे, और फिर हमारा क्या बन जाता था, ड्राइंग बन जाता था।
और इसके अलावा हमको क्या बनाना आता था, एक साड़ी का किनारा बनाना आता था, इसके अलावा हमको कुछ बनाना नहीं आता था। ओके, अब देखिए रात का समय हुआ, रात के समय क्या होगा, ऊपर क्या है भाई, पर्वत है। ओके, पर्वत की चोटियां देखने को मिलेगी, ये क्या है, घाटी है। अब रात के समय क्या होगा, तो रात के समय आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर का वायुमंडल क्या है, विरल है। अब विरल है तो यहां से पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया होगी ना, क्या होगी, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया होगी। और पार्थिव विकिरण ज्यादा होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल बहुत ज्यादा विरल है, तो यहाँ पर तापमान है यानी कि जो ऊष्मा है उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा ज्यादा। जब ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो रात के समय चोटियों का तापमान तेजी से नीचे आता है। तो आपको देखने को मिलेगा रात के समय जो पर्वतों का तापमान है, ऊपर का जो भाग होता है उसका तापमान तेजी से कम होता है। इधर भी देखने को मिलेगा पर्वत का तापमान है वो तेजी से कम होगा। जब तेजी से कम होगा तो जाहिर सी बात है ऊपर किसका निर्माण होगा, हाई प्रेशर, वायु भारी होगी, भारी होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर निर्माण होगा, यहाँ भी हाई प्रेशर निर्माण होगा। और नीचे वायु आपको देखने को मिलेगी अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म होती है, और नीचे क्या होगा, लो प्रेशर अपेक्षाकृत आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यही पवन है, अब हमको क्या मिल गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर मिल गया, तो आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हल्के हल्के पवन है वो ढाल के सहारे नीचे आना प्रारंभ कर देगी। ओके, इस तरह से क्या आना प्रारंभ कर देगी, हल्के हल्के नीचे आना प्रारंभ कर देगी। अब देखिए वायु का यहाँ पर क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है, तो अवरोहण होने के कारण इसमें एडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होता होगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये हल्की हल्की थोड़ी सी अपेक्षाकृत गर्म भी हो जाती है पवन। ये पवन क्या देखने को मिलेगा, मध्य तक आते आते, मतलब इस भाग तक आते आते आपको देखने को मिलेगा थोड़ी सी गर्म जाती है, मतलब इस भाग को थोड़ा सा गर्म कर देती है। इस कारण ही आपको पर्वतों के मध्य भाग में, ये क्या है, पर्वतों का मध्य भाग है, यहाँ पर पाला नहीं पड़ने देती है, क्या नहीं पड़ने देती है, यहाँ पर पाला नहीं पड़ने देती है, यहाँ पर पाला नहीं पड़ता है, मतलब कोहरे वोरे जैसी आपको व्यवस्थाएं यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, जिस कारण यहाँ का तापमान थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि बागबान की जो कृषि होती है वो बहुत ज्यादा अनुकूल होती है, फलों की कृषि के लिए बहुत अनुकूल हो जाता है, रेस्टोरेंट होते हैं या फिर मानव अधिवासों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो पवन है वो कौन सी पवन है, कौन सी समीर है, कहाँ से आ रही है, पर्वतों से आ रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, पर्वतीय समीर बोल देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर्वतीय समीर बोल देंगे, क्योंकि कहाँ से आ रही है, पर्वतों से आ रही है, इसलिए हम इसको पर्वतीय समीर का नाम दे देंगे। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केटाबेटिक पवन, केटाबेटिक पवन बोलते हैं। तो केटाबेटिक पवन है या फिर पर्वतीय समीर है, ये कब चलती है, ये रात के समय चलती है। तो कभी आप पहाड़ों पर घूमने जाएं तो आप ऐसा मत सोचिएगा घाटी में रहेंगे तो वो कम ठंड लगेगी, नीचे नहीं, आपको क्या रहना है, नीचे घाटी में नहीं रहना है, एकदम तल पर नहीं रहना, तल पर रहेंगे तो यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर आपको देखने को। लेकिन आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आप आराम से अपना टेंट लगा सकते हैं, रुकने के लिए अच्छी सी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, और यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा फल वूल, आपको खाने पीने के लिए सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो घूमने जाए तो इन चीजों का ध्यान रखें, अगर आप लोग घाटी और इस प्रकार की व्यवस्था में कभी फंस जाए तो, वरना क्या हो जाएगा, नीचे कम्बल उम्बल भी काम नहीं करेगा। और अगर पर्वतों की चोटी पे चले गए तो यहाँ पर तापमान बहुत कम है, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, आप जम जाएंगे, कुड़कड़ा जाएंगे। ओके, और सुबह क्या होगा, आप बर्फ बर्फ में जमे हुए मिलेंगे, नीचे रहेंगे तो नीचे भी आपको इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन बीच में रहेंगे तो क्या रहेंगे, थोड़ा सा सुरक्षित रहेंगे, अपेक्षाकृत थोड़ा सा तापमान अच्छा देखने को मिलेगा। किस कारण, तो आपको बताए हैं एडियाबेटिक हीटिंग के कारण ऐसा होता है, और यहाँ पर वर्षा वर्षा रात में नहीं होती है। ओके, और इसी कारण यहाँ पर तापीय विलोमता की भी स्थिति उत्पन्न होती है, हम पहले ही बता चुके हैं तापीय विलोमता वाले में, यही जो पवन है वो क्या करती है, हल्के हल्के नीचे वाली जो ठंडी पवन होती है वो उसको विस्थापित कर देती है, तो जिस कारण क्या हो जाता है, गर्म पवन नीचे आ जाती है और ठंडी पवन ऊपर चली जाती है। तो आपको ये सारी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं, तो कोई रॉकेट साइंस वाली चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, ये आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ही फिनिश होता है, जिसके बारे में हम सब कुछ बता दिए हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों के लिए इसमें कोई भी मतलब कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को यहाँ पर ही ओवर करते हैं। बताइएगा अगर आप लोगों के लिए छोटा मोटा बड़ा कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा, अदरवाइज क्लास को यहाँ पर ही ओवर किया जाता है। कल हम लोग देखेंगे जलवायु
प्रदेशों के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेगा, जलवायु प्रदेश। हम पूरे विश्व पर देखेंगे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। ओके, यहाँ पर बबलू बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, चलिए, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है तो क्लास को ओवर किया जाए।